यस मैम। कल हमने मनुष्यता कविता के 3 पैराग्राफ्स किए थे। हम बात कर रहे थे, वहां पे था, पहले था कि सुमृत्यु किसे कहा जाता है, फिर था उसी उदार। अब ये कौन सी उदारता की बात हो रही है? उदारता मीन्स ऐसा कार्य जो हम दूसरों के लिए करते हैं, खुले दिल से करते हैं, ठीक है, उस उदारता की बात की जा रही है। देन देयर वाज कि आप किस किस के, कवि ने किस किस के उदाहरण दिए। 4 लोगों के उदाहरण दिए हमने, रतिदेव का उदाहरण देगा, दगीची का उदाहरण दिया, क्षितीश का उदाहरण दिया और करण का उदाहरण दिया बच्चे, और उदाहरण देके बताया कि ये शरीर तो नश्वर है, चला जाएगा, फिर डरना क्यों, आज गया या कल गया। ठीक है, तो मनुष्य वही है जो मनुष्यता के कार्य करता है, दूसरे की मदद के कार्य करता है। तो अगला पैराग्राफ मैं 4 शुरू कर रही हूँ, विद योर परमिशन। कुछ पूछना तो नहीं है पिछला आपने, अगर कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज आई एम गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है, एक बार पूछ सकते हैं, अगर आपको कुछ पूछना है, कोई डाउट है पिछला, तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज आई विल गो फॉरवर्ड। होपिंग कि इतना सबको क्लियर है। क्लियर है बच्चे? विनीत, आर्ची, सक्षम, वृंदा, निष्ठा, रूहानी, परमवीर, पलक, जैसिका, दक्षिता। रूहानी दूसरी भी नहीं है, रूहानी शर्मा भी नहीं है, और आज प्रथम, हार्दिक, राघव, कार्तिक, ये सब बच्चे एब्सेंट हैं। चलिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल, वी विल कंटिन्यू आर सिलेबस। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही। एक व्यक्ति दुखी है तो वो दूसरे से सहानुभूति चाहता है, दूसरे से चाहता है कि दूसरा मेरे दुख में आके शामिल हो, मुझसे बात करे। सहानुभूति चाहिए, हर व्यक्ति को दुख में कंसोल करने की जरूरत पड़ती है, सहानुभूति की आवश्यकता पड़ती है। ये बात समझ में आ जाए तो यही सबसे महान बात है, महाविभूति है यही, सबसे महान समझ की बात यही है कि हर व्यक्ति दुख के समय में अपने पास किसी दूसरे व्यक्ति को देखना चाहता है। वशीकृता सदैव है, बनी हुई स्वयं ही। मही मीन्स धरती, धरती भी इसी बंधन में बंधी हुई है। किस बंधन में? कि दुख के समय में कोई किसी की मदद करने, सहायता करने पहुंच जाए। धरती भी इसी नियम के वश में है कि दुखी को उसकी सहायता, उसे सहायता दो। विरुद्धवाद बुद्ध का न दया प्रवाह में बहा। महात्मा बुद्ध के सारे विरुद्ध थे पहले, लेकिन बाद में जब उन्हें महसूस हुआ कि महात्मा बुद्ध जो है वो दया की बात करते हैं, तो उनकी दया के आगे सबका क्रोध शांत हो गया। विरुद्धवाद बुद्ध का, बुद्ध के विरुद्ध लोग भी उनकी दया के आगे झुक गए। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, दया की नदी जो उन्होंने बहाई उसमें उनके विरुद्ध जो लोग थे वो सब, महात्मा बुद्ध के विरुद्ध जो लोग थे उनकी दया के आगे सबको झुकना पड़ा। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। सारी दुनिया क्या महात्मा बुद्ध के सामने झुकी नहीं, सारी दुनिया झुकी। यानी अगर हम दया का संदेश देते हैं, उदारता का संदेश देते हैं, तो उस व्यक्ति के आगे सारी दुनिया को झुकना पड़ता है। आहा, वही उदार है परोपकार जो करे। उदार वही आदमी है जो दूसरे का फायदा करता है, खुले दिल वाला। अपने लिए तो सारे खर्च लेते हैं, बेटा तो किसी दूसरे के लिए खर्चा किया जाए, किसी दूसरे की मदद के लिए कुछ सहायता की जाए। हमारे तो बेटा संतों ने, महापुरुषों ने कहा अपनी कमाई का 10वां दो। 10वां देना मतलब 10वां हिस्सा, 10% ऑफ योर इनकम शुड गो इन चैरिटी।
सिर्फ वो बचाने के, टैक्स बचाने के लिए नहीं, चैरिटी में हमारा 10वां हिस्सा जाना चाहिए। पर हम लोगों को होते हैं, ओ अच्छा 10%, यानी 50,000 हमने कमाया और 5,000 दान में दे दें, वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। पर उन्होंने कहा कि परोपकार जो करता है वास्तविक मनुष्य वही है। क्लियर बेटे? सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है ये। एक व्यक्ति को दुख में दूसरे का सहारा चाहिए होता है, ये बात समझ में आ जाए तो ये सबसे बड़ी बात है बच्चे। वशीकृता सदैव है, बनी हुई स्वयं ही, धरती भी इसी नियम के वश में है कि दुखी में दुख की सहायता करो, दुखी की सहायता करो। ओके, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में हुआ। महात्मा बुद्ध के सभी विरुद्ध थे पहले, लेकिन उनकी दया के आगे सबको झुकना पड़ा। विनीत लोक वर्ग का क्या न सामने झुकाना, उनकी विनीत स्थिति के, उनकी हाथ जोड़कर निवेदन करने की स्थिति के आगे लोगों को झुकना ही पड़ा। आहा वही उदार है, ओहो सबसे उदार व्यक्ति तो वही है जो परोपकार करता है, जो दूसरे पे दया करता है, जो दूसरे के लिए सोचता है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। असली मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्य के लिए मरता है, मिटता है। अपने लिए तो बेटा पशु भी चलते हैं, लेकिन दूसरे के लिए काम करने वाला वास्तविक मनुष्यता के धर्म का पालन करता है। ओके, चले आगे। आई वॉन्ट येस फ्रॉम योर साइड बच्चे, क्योंकि आप लोग सबने कैमरे ऑफ किए हुए हैं, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कि आप सुन रहे हैं। हाँ हाँ दक्षिता, थैंक यू बच्चे, थैंक यू वेरी मच। आपका एक रिस्पॉन्स देख के भी मुझे काफी पॉजिटिविटी मिली। हाँ, रहो न भूल के कभी मदान के सनात जान, आपको करो न गर्म चित्त में अनाथ। और कौन है यहाँ त्रिलोक की नाथ साथ है, पर दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है, अतीव भाग्यहीन है, अधीर बाब जो करे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। दिस पोएम इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। मुझे तो ये कविता, एक तो तुकांत बहुत अच्छा है, इनका लास्ट वर्ड्स इतनी अच्छी तरह से ये गाई जा सकती है, इतनी अच्छी तरह जो चीज गाई जाती है जिसमें तुकांत शब्दों का प्रयोग होता है, जिसमें शब्दावली होती है, वो लर्न तो बड़े आराम से हो जाती है। आप भी चार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और हमें तो याद रखना है, क्या याद रखना है, प्लीज मेक इट क्लियर। पहले पैराग्राफ में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, चौथे में क्या है। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग वेरी स्लो। एक बार आके 2-3 पीरियड लगाने के बाद मैं दोबारा ये नए सिरे से करवा रही हूँ। कारण यही है बेटे, वी आर सपोज्ड टू लर्न ईच एंड एवरी पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ में उसने सुमृत्यु की बात की और पशु प्रवृत्ति की बात की, दूसरे पैराग्राफ में उसने सारी उदारता की बात की। उदार कौन होता है, किसे दुनिया याद रखती है, किसे दुनिया किताबों में दर्ज करती है, कौन अमर होता है। और तीसरे पैराग्राफ में उन्होंने चार उदाहरण दिए, वाजा सुदार प्रति देव का, दगीची का, उसी नरसिंही का और कर्म का उदाहरण दिया। ठीक है, तीन पैराग्राफ हो गए। आज जो मैं तीन पैराग्राफ करवाऊंगी उसमें पहला पैराग्राफ है महात्मा बुद्ध का उदाहरण बताया कि दया की बातें करो, और ये जो गलती है ना ये भी दया की बातें करने वालों के आगे झुकती है। एक व्यक्ति के लिए हमारा नहीं, ये भी तो असली मंत्र है दुनिया को जीतने का। ये था हमारा आज का पैराग्राफ। आज का दूसरा पैराग्राफ है, रहो न भूल के कभी मदान तुच्छ चित्त के सनात जान, आपको करो न गर्व मैम, बीच में बहुत डिस्टरबेंस आ रही है, आपकी वॉइस स्टेबल नहीं है। बीच में डिस्टरबेंस बहुत आ रही है। अच्छी तो है बच्चे, कोई ऐसी प्रॉब्लम?
मैम आपका वो नेट भी रेड शो हो रहा है। रेड शो हो रहा है, क्या किया जाए बोलो। मैम बस वॉइस की प्रॉब्लम है, बाकी सब सही है। अच्छा देखो मैं माइक ऐसे रख के देखूं। मैम अब ठीक है। ओके माइक ऐसे रख के देखती हूँ मैं। तो उसने कहा रहो न भूल के कभी मधांद तुच्छ वित्त के, कभी भी गलती से भी इस नशे में मत रहना कि हमारे पास पैसा है। देखिए दोबारा, रहो न भूल के गलती से भी कभी ना रहना मधांद। मधांद वर्ड है मद में अंधा, मद होता है नशा। किस चीज का नशा मनुष्य को सबसे ज्यादा होता है? पैसे का। रहो न भूल के कभी मधांद तुच्छ वित्त के, ऐ थोड़े से पैसे के लिए कभी भूखे मत बनना। थोड़े से पैसे के नशे में आकर कभी भी कोई गलत काम मत करना। रहो न भूल के कभी मधांद तुच्छ, एवें ज्या, तुच्छ मीन्स बहुत नीच, तुच्छ का ऑपोजिट होता है महान। इतने नीच पैसे के लिए, थोड़े से पैसे के लिए कभी भी नशे में मत आना। और पैसे का नशा ही सबसे खतरनाक नशा होता है। पैसे का नशा होता है ना, जैसे जैसे हमारे पास पैसा आता जाता है ना बेटा, हमारी गर्दन जरा अकड़नी शुरू हो जाती है। फिर भगवान हमें शारीरिक दुख देकर उस अकड़ को तोड़ता है। रहो न भूल के कभी मदांद तुच्छ वित्त के, वित्त मीन्स पैसा, वित्त मंत्री देश का, वित्त मीन्स पैसा। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, मेरे तो माता पिता है, मेरे पास तो सब कुछ है, ऐसा कह के कभी अभिमान मत करना। अनाथ कौन है यहाँ, यहाँ तो कोई अनाथ है ही नहीं। अगर माता पिता वो है हमारा तो हम सब भाई बहन है ना, फिर अनाथ कौन है? जब माता पिता ही परमात्मा है तो अनाथ तो कोई है ही नहीं। तो हम, उसने कहा सनाथ जान आपको गरो न कर गर्व चित्त में, अनाथ कौन है यहाँ? अरे बिना माँ बाप के तो यहाँ कोई है ही नहीं। वो परम पिता परमात्मा सबका पिता है, परम पिता। अनाथ जान आपको, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, अनाथ कौन है यहाँ? त्रिलोकनाथ साथ है, परमात्मा सबके साथ है, वो कभी हेरफेर नहीं करता, वो सबके साथ है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। उस दीन बंधु, नाम ही है उसका दीन बंधु। दीन गरीब, बंधु दोस्त, गरीबों का दोस्त, उसके बड़े, बहुत बड़े हाथ हैं। बेटा आपने कभी नोटिस किया होगा, आपके दिल को कोई ठेस पहुंचा दे, आप दिल महसूस के रह जाए कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, इसने मुझे इतनी चोट पहुंचाई है, तो उस समय आपके मुंह से क्या निकलता है? कोई बात नहीं, परमात्मा देखता है ना। जब हम निहत्थे हो जाते हैं ना, अपने हाथ से किसी का बदला नहीं ले सकते, उस समय हमें परमात्मा याद आता है, कोई बात नहीं परमात्मा देख रहा है। अदरवाइज बच्चे, निहत्थे होने की बात तो छोड़िए, परमात्मा हर समय सब कुछ देख रहा है, उसके पास हमारा अकाउंट इकट्ठा हो रहा है, हमारा भला हमारा बुला बुरा वो पूरा डेबिट और क्रेडिट कर रहा है, हमें वो मिलने वाला है। ठीक है, तो उसने कहा रहो ना भूल के कभी कभी गलती से भी पैसे का अभिमान मत करना, पैसे का नशा ना चढ़ने देना, और कभी भी इसका गर्व मत करना कि मेरे माता पिता हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, क्योंकि यहाँ अनाथ तो कोई भी नहीं है, परमात्मा सबके साथ है, और उस परमात्मा के बहुत बड़े बड़े हाथ हैं, यानी वो असंभव को भी संभव कर सकता है। त्रिलोकी नाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, बहुत बड़े बड़े हाथ हैं उसके, वो तो कुछ भी कर सकता है। अतीव भाग्यहीन है,
अधीर भाव जो करे, वो व्यक्ति बड़ा बदकिस्मत है, अतीव भाग्यहीन है, बड़ा बदकिस्मत है वो व्यक्ति कौन, अधीर भाव जो करे, जितना है उसमें संतुष्ट नहीं रहना, और आ जाए और आ जाए और आ जाए और आ जाए, बड़ा बदकिस्मत है वो व्यक्ति। ठीक है बेटे, अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। अधीर भाव मीन्स असंतुष्टि का भाव जिसके पास है, यानी 6 गाड़ियां घर में खड़ी है फिर भी हमें अपनी बड़ी गाड़ी को ही लेने का, रेंज रोवर या किसी और बड़ी गाड़ी की तमन्ना हो, बड़ा बदकिस्मत है वो व्यक्ति, शुक्र नहीं करता परमात्मा का कि मुझे परमात्मा ने सब कुछ दिया है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए, यानी इस पैराग्राफ में क्या बताया हमें, पैसे के पीछे पीछे भागने वाला व्यक्ति बड़ा बदकिस्मत है ना। कभी गर्व मत करना अपने मन में कि मेरे पास ये है मेरे पास वो है, नो, परमात्मा सबके साथ है। सेकेंड पैराग्राफ आज का हो गया, एंड मूविंग टू द थर्ड पैराग्राफ ऑफ टुडे। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, रहो नयों के एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मर। आपको याद होगी कहानी, एक बार ध्रुव ने, ध्रुव की कहानी याद होगी आपको, ध्रुव की मेरा ख्याल स्टेप मदर थी, तो उस वो चाहती थी कि उसका बेटा महाराज की गोद में बैठे, लेकिन ध्रुव अपनी माँ से कहता था कि मुझे पिताजी की गोद में बैठना है, तो उसकी माँ ने उसे समझाया था कि बेटा तूने इस पिता की गोद में बैठ के क्या करना है, तू उस परम पिता की गोद में बैठना, और उस परम पिता की गोद में बैठना मतलब गोद में बैठना मीन्स प्यार लेना, उस परम पिता का प्यार लेने के लिए हमें क्या करना होता है, एनीवन, हम उस परम पिता का प्यार चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा। आपने कबीर जी पढ़े हैं, आपने मीरा पढ़ी है, अच्छे कर्म करने होंगे, मीठी वाणी बोलनी होगी, केवल और केवल एक काम, पवित्र होना होगा, मन में खोट नहीं रखना, अच्छे काम करने बस, और कुछ नहीं करना, कोई मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद नहीं जाना, हमें केवल और केवल एक काम करना है, हमें केवल अपने आप को पवित्र करना है, हमें केवल अपने आप को बुराइयों से दूर करना है। तो यही तो इस पैराग्राफ में कहा है, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, ऊपर ना बड़े देवी देवता आपको गोद में बिठाने के लिए खड़े हैं, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, लंबी लंबी बाजू फैला के आपको अपनी गोद में बिठाने के लिए खड़े हैं, आपको क्या करना होगा, परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, एक दूसरे का सहारा बनके, वर्ड वेरी हैवी वर्ड देयर इज, परस्परावलंब, दो वर्ड्स हैं इसमें, परस्पर और अवलंब, परस्पर और अवलंब, परस्पर मीन्स एक दूसरे के साथ, अवलंब मीन्स सहारा, अविलंब होता है बिना देरी के और अवलंब होता है सहारा। माता पिता को एकमात्र पुत्र का अवलंब था, अवलंब मीन्स सहारा, परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, एक दूसरे का सहारा बन के उठो बढ़ो, काम करो, उन्नति के कार्य करो एक दूसरे का सहारा बन के, और अमर्त्य अंक, अमर्त्य अंक मीन्स अंक होता है गोद, परमात्मा की गोद में बैठना चाहते हो तो अपंक हो जाओ, अपंक मीन्स मैल से बुराइयों से दूर हो जाओ, पंक मीन्स कीचड़, अपंक मीन्स कीचड़ के रहित हो जाओ, बुराइयों से दूर हो जाओ, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, उस परमात्मा की गोद में बैठना चाहते हो तो, उस परमात्मा की गोद में बैठना चाहते हो तो आप
बुराइयों से अलग हो जाओ, बुराइयों से दूर हो जाओ, रहो नयों के एक से न काम और का सरे। ये कभी मत सोचना कि आप अकेले कुछ कर सकते हैं, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। लाइन उसने कही, रहो नयों के काम एक से न काम और का सरे। आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। मैं यहाँ मैक्सिमम बच्चों को एग्जांपल देती होती हूँ कि बेटा जिस समय हम सुबह उठ के वॉशरूम जाते हैं ना, बेटा उठते ही बिस्तर से पैर नीचे लगाते हैं, वॉशरूम मत जाओ आप, अपने पैर नीचे रखो, आप चप्पल ढूंढते हो सर्दियों में, बताइए चप्पल आपकी बनाई हुई है ना, वो फैक्ट्री में बनाने वाला कोई और है। वॉशरूम गए, ब्रश उठाया, ब्रश आपने बनाया? नो, वो बनाने वाला कोई और है। पेस्ट आपने बनाई? बनाने वाला कोई और है। यानी अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, इवन आपके शरीर को बनाने वाले आप नहीं हैं, वो परमात्मा और आपके माता पिता हैं। तो एक अकेला व्यक्ति तो कुछ भी नहीं कर सकता ना। दोबारा देखिए, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, बहुत से देवी देवता आपको गोद में बैठाने को खड़े हैं, समक्ष ही सोबाहु जो बड़ा रहे बड़े बड़े, आपके सामने बाहें फैला के बैठे, आ जाओ मेरे पास आओ, आओ आओ, ठीक है। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो, सभी एक दूसरे का सहारा बनो और उठो, जाके परमात्मा की गोद में बैठो। क्या करना होगा? अभी अमर्त अंक में अपंक हो चढ़ो, सभी प्योर हो जाओ, पवित्र बन जाओ, बुराई से दूर हो जाओ, तो आप परमात्मा की गोद में बैठ सकते हो। रहो न यो कि का एक से न काम और का सर। एक अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, इस बात को याद रखना। और वही वास्तविक मनुष्य है जो दूसरे मनुष्य के लिए अपनी जान दे देता है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, जो दूसरे व्यक्ति के लिए अपनी जान दे देता है, वास्तविक व्यक्ति वही है। मैं फिर यहां अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी, अपनी कविता को विराम देना चाहूंगी। वी विल डू थ्री पैराग्राफ स्टेप बाय स्टेप। पहले तीन पैराग्राफ याद रखेंगे, पहले पैराग्राफ में क्या कहा, दूसरे में क्या कहा, तीसरे में क्या कहा, रिकॉल करते हैं। पहले में उसने कहा सो मृत्यु कौन सी होती है, फिर उसने कहा पशु प्रवृत्ति क्या होती है, वे पहले में ही, ठीक है। और दूसरे में कहा उसी उदार की कथा सरस्वती विदांती, कौन से उदार की बात कर रहे हो आप, है ना, दूसरे की भलाई करो, दूसरे के लिए ये करो, दूसरे के लिए वो करो, ठीक है। और तीसरे में उसने चार एग्जाम्पल दिए हमें, ठीक है, रतिदेव का एग्जाम्पल दिया, करण का एग्जाम्पल दिया, दगीची का उदाहरण दिया, और साथ में उसे क्षितिज का उदाहरण दिया। उसके बाद आज जो हमने शुरू किया, उसमें हमने शुरू किया बच्चे कि महात्मा बुद्ध की दया के आगे सारी दुनिया झुक गई, और दुखी को दुख में सहायता करो, इससे बड़ा नियम कोई नहीं हो सकता। दूसरे पैराग्राफ में हमने किया थोड़े से पैसे के नशे में कभी मत आना, कभी मत आना पैसे के नशे में, क्योंकि वो त्रिलोकीनाथ सबके साथ है, सबके साथ है, ठीक है। और वो कहते हैं सबसे बड़ा अभागा व्यक्ति वो है जिसके पास सब कुछ है पर फिर भी वो है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं करता है। मम्मी भी कहते हैं ना है नहीं करीदा होता, बहुत कुछ है कहता देखो, ठीक है। और फिर आगे कहा कि देवी देवता आपको गोद में बिठाने को तैयार हैं, उनकी गोद में बैठने के लिए थोड़ा सा प्रयत्न तो करना होगा। क्या प्रयत्न करना होगा? आपको पवित्र होना होगा, प्योर फ्रॉम योर अंतरात्मा। बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो, बुरा मत करो, क्योंकि इंसान की सोच में बुराई पहले आती है, फिर हमारी वाणी पे आती है, फिर हमारे एक्शंस में आती है बुराई। सबसे पहले बुराई हमारी सोच में आती है। आपको पता है किसी भी वार को डायरेक्ट शुरू होते हमने नहीं देखा, हमेशा पहले कोल्ड वॉर होती है, दिमाग के आइडियाज में लड़ाई आती है, देन इट कम्स इनटू आवर वर्ड्स एंड देन इट कम्स आउट इन एक्शन। इसलिए अपने दिमाग में ही बुराई लड़ाई ना आने दो, ठीक है जी बच्चे।
क्लियर हुआ, मुझे किसी की शक्ल नजर नहीं आ रही, मुझे नहीं पता मैं दीवारों को पढ़ा रही हूँ या किसको पढ़ा रही हूँ। आपको 6 के 6 स्टेंजा समझ में आ गए? आ गए मैम? लास्ट वाला बता दो एक बार। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे, ऊपर कहते हैं आसमान में बड़े देवी देवता खड़े हैं हमें गोद में बिठाने के लिए, है ना, हमें स्वर्ग में ले जाने के लिए बहुत से देवी देवता खड़े हैं, पर हमें क्या करना होगा, एक दूसरे का सहारा बन के प्योरिटी में जाना होगा। कबीर दास जी का वही दोहा, कौन सा दोहा, लास्ट वाला, हम अगर जाले अपना लिया मुराड़ा हाथ, अब अगर जालो तास का जो चले हमारे साथ, है ना, एक दूसरे का सहारा बन के एक दूसरे को प्योर करते जाओ, ठीक है, तभी आप उसकी गोद में बैठ सकेंगे। और याद रखना कभी अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, एक मुहावरा भी है ना, लोकोक्ति भी है, अकेला चना तो बाड़ भी नहीं फोड़ सकता, एक अकेला व्यक्ति तो यूजलेस है, हमें एक दूसरे के सहारे की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, तो वही मनुष्य है जो दूसरे मनुष्य के लिए कार्य करता है। क्लियर है बच्चे? ओके मैम। क्लियर है? यस मैम। क्लियर है। और किसी को कुछ पूछना है बेटे? वेरी अनलक्की दोज पीपल आर हु आर नॉट अटेंडिंग द क्लास। देखिए ये क्लास तो वैसे भी बच्चे अच्छाई पे डिपेंड करती है, हमारे लेसन्स ही हैं, अब मनुष्यता लेसन कर रहे हैं हम, बी ह्यूमन बीइंग, है ना, हमें वो बात सिखाई जा रही है। कितनी सुंदर लाइन है, रहो न भूल के कभी मदान तुच्छ वित्त के, ये जो पैसा है ना पैसे के नशे में कभी मत आना, और सबसे गंदा सबसे पहले आने वाला नशा ही पैसा है। पता है इंसान कभी चाहता नहीं है कि वो पैसे में नशे में आ जाए, लेकिन ऑटोमेटिकली जैसे पैसा आता जाता है ना उतना नशा आता जाता है, हमारी गर्दन जरा सीधी ज्यादा अकड़नी शुरू हो जाती है। कबीर जी ने भी कहा साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। कबीर जी कहते मुझे इतना पैसा मत देना, ना मुझे नहीं चाहिए, मुझे केवल इतना सा पैसा देना जिसमें मेरे घर का गुजारा हो जाए और मेरे घर में आया हुआ मेहमान भी भूखा ना जाए, बस। ज्यादा पैसा आपके बच्चों को बिगाड़ने की जड़ है, जिनके ज्यादा पैसा है आप अपनी सोसाइटी में नजर मार के देख लीजिए, उनके बच्चे हमेशा बिगड़े हुए होंगे, कमल हमेशा कीचड़ में खिलता है बच्चे। कम पैसा, जिसने जिसने प्रॉब्लम्स देखी हैं वही इस दुनिया को फेस करके बाहर आ सकता है, जिसने प्रॉब्लम ही नहीं देखी बेटे उसने कहाँ, उसे तो पैसे का नशा है, उसे क्या है, अज एक गड्डी ठोकती कल दूजी ठोक देती, कोई गल नहीं, पापा ने नवी ले लेनी है, अपनी कमाई हुई एक साइकिल भी ली हुई हो ना बेटा तो उसे हम नहीं फेंक सकते। चलो विद दिस आई वॉन्ट टू कोट वन एग्जाम्पल, एक कहानी सुनाना चाहूंगी क्योंकि हमारे सिलेबस में लघु कथा भी है, तो कथाएं तो साथ साथ चलनी चाहिए और कहानियां साथ साथ चलनी चाहिए, ठीक है, तो एक कहानी सुनाना चाहूंगी, बहुत बड़ी पुरानी है और आपने शायद सुनी होगी वो कहानी, शायद, पक्का नहीं, क्योंकि आजकल कहानी सुनने का जो ट्रेंड है ना वो खत्म हो गया है, ठीक है, तो मैं एक जनरल सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक व्यक्ति था बिल्कुल निकट्टू, कुछ नहीं करता था, उसके पापा को बड़ा गुस्सा आया, कहते यार इसको कुछ सिखाना चाहिए, ये तो ना बड़ा निकम्मा बच्चा है, इसको थोड़ा कमाई सिखाऊं मैं, कमाई सिखाए बिना गुजारा नहीं होना। तो उसने क्या किया बच्चे, उसने फादर ने क्या किया, मेरा इंटरनेट स्टेबल नहीं है, 2 मिनट रुकूंगी मैं, हाँ, उसके पिताजी ने क्या किया, उसे कहा देख भाई आज पैसे कमा के लाएगा तो तुझे रोटी मिलनी है, नहीं तो घर में रोटी नहीं मिलनी, ठीक है। तो गया, उसे कहा पैसे कमाने आते हैं, जिसको रोज खर्चने की आदत है पैसे कहाँ कमाने आते हैं, है ना। उसने क्या किया, दादी माँ के पास गया, दादी माँ पापा ने कहा है पैसे लेके आएगा तो रोटी मिलनी है, मैं भुखा रह जाऊंगा, दे दियो ना मैनू। दादी माँ ने एक पैनी दे दी उसे, ठीक है, पैनी लेके वापस आ गया पापा के पास, पापा देखो मैं आज पैसे लाया अब तो मुझे रोटी मिलेगी ना। पापा ने कहा ठीक है तेरे को रोटी मिलेगी, वो पीछे आंगन में ना एक कुआं है, ये पैनी उठा के ना उस कुएं में फेंका, वो गया भागा भागा फटाफट वो पैनी फेंकी और अपना आके खाना खा लिया, ठीक है। पापा ने फिर दूसरे दिन शर्त रख दी कि नहीं भाई दूसरे दिन भी तू पैसे कमा के ले आएगा तो तेने पैसे मिल रोटी मिलनी है, नहीं तो नहीं। अब वो दीदी के पास चला गया, दूसरे दिन दीदी ने दे दी,
तीसरे दिन मम्मा ने दे दी, चौथे दिन किसी पड़ोसी से मांग लाया, चार का दिन तो गुजारा हो गया, पांचवें दिन अब कहां से लाए वो पेनी, रोज कौन देता है, कोई नहीं देता ना। तो पांचवें दिन उसे कहीं से पैसे नहीं मिले, तो उसने क्या किया, कहीं पे बोरियां उठाई जा रही थी, सोचा चल मैं भी करता हूं ये काम, और एक बोरी उठा के, एक दो बोरियां उठा के ट्रक में लाद दी और उसे एक पैनी मिल गई। अब वो पैनी लेकर जब वो घर आया, फादर को कहा मैं ले आया, देखो उस दिन ज्यादा कुछ था, मैं ले आया देखो मुझे खाना दो। पापा ने फिर वही कहा जा कुएं में फेंक दे। अब रोज तो किसी से लेता था कुएं में फेंक सकता था, आज क्या करे बेचारा, आज तो आए कमर दर्द हो रही है, आज कैसे फेंकूंगा, ना 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 ना, आज तो मेरे हक की कमाई है, आज नहीं मैं फेंक सकता। उस दिन उसने वो पैनी नहीं फेंकी, क्योंकि उसे उस पैनी के कमाते हुए होता हुआ दर्द पता था। जब तक अपने पे नहीं बीतती ना, तब तक हमें पता नहीं चलता, इसलिए कभी भी दूसरे के कमाए हुए पैसे पे नशा मत करना। उस दिन थोड़ा सा अभिमान कर लेना जिस दिन आप अपनी मेहनत की कमाई लाओगे, ठीक है। दिस इज ऑल, गुड बाय, हैप्पी लोहड़ी टू यू ऑल, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, हैप्पी लोहड़ी मैम, स्टे सेफ, हैप्पी लोहड़ी मैम, हैप्पी लोहड़ी बच्चे, हैप्पी लोहड़ी बच्चे, हैप्पी मकर संक्रांति आल्सो, जो कल है ना, यस मैम, सेम टू यू मैम, हैप्पी न्यू ईयर है कल एक तरह का हमारा, ठीक है, ओके गुड बाय।